नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव यानी पहली लहर और दूसरी लहर ने देश में जो नुकसान किया है वो आप सबको पता ही है। कोरोना वायरस की थर्ड वेव यानी तीसरी लहर के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बच्चों पर ज़्यादा असर करेगी, यानी थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे। दोस्तों, थर्ड वेव से बचने के लिए आज एक होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करेगी अगर आप इसे बच्चों को रेगुलर खिलाएंगे। जो होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशली बच्चों के लिए है, अगर आप इस मेडिसिन का लगातार बच्चों को सेवन कराएंगे तो यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। साथ ही दोस्तों, आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जो बच्चों में अपनाकर आप संक्रमण फैलने का खतरा कम कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की थर्ड वेव यानी तीसरी लहर देश में जल्दी ही आने वाली है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन टिप्स की जो बच्चों के लिए आपको अपनाने चाहिए। दोस्तों, आप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा खट्टे फल खाने को दो क्योंकि इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे मौसमी, संतरा, इनसे इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत मदद मिलती है। बच्चों को कुछ देर धूप में खेलने दें या बैठने दें क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। सूरज की मिलने वाली किरणों से बच्चों में इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बच्चों को कोरोना की थर्ड वेव के लिए पैनिक न होने दें, उन्हें डराएं नहीं, उन्हें समझाएं। बच्चों की डाइट में ज़्यादातर हरी सब्जियां, ताजे फल और जूस शामिल करें। बच्चों के दूध में हल्दी डालकर दें, इससे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाव होता है, साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बच्चों को पीने के लिए गुनगुना पानी दें, इससे संक्रमण का खतरा कम रहता है। दोस्तों, कोरोना वायरस हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा लंग्स यानी फेफड़ों पर असर करता है। फेफड़ों की मजबूती के लिए बच्चों को गुब्बारे फुलाने के लिए दें। बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए बोलें, उन्हें व्यायाम और योगा करने के लिए प्रेरित करें, इससे बच्चों को और भी फायदे होंगे, स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। बच्चों को ज़्यादा दूसरे बच्चों से न मिलने दें, अगर बच्चे मिलते भी हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बच्चों को मार्केट में न जाने दें या भीड़ भाड़ वाली किसी भी जगह पर न जाने दें। अगर आप जाते हैं तो घर आने से पहले अपना हाथ सैनिटाइज करें, हाथों को अच्छे से धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन देने से बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दोस्तों, आपको लेना है ममा नेचुरा का नोस्टिम जो होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनी स्वाबे बनाती है। मेडिसिन स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है तो उसको 3-3 गोली दिन में 3 बार दें। अगर आपका बच्चा 5 से 10 साल के बीच का है तो उसे 4-4 गोली दिन में 3 बार दें। 10 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए 6-6 गोली दिन में 3 बार देनी चाहिए। दोस्तों, यह मेडिसिन बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसे आप कंटिन्यूस लगभग 6 महीने भी दे सकते हैं। यह लगभग आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से 110 रुपये की मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की थर्ड वेव से बचाव के लिए, बच्चों को बचाने के लिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें।